डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट का जो हमारी SST का जो थर्ड चैप्टर है, माय लवली फैमिली, इस चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगी। माय लवली फैमिली का, चलिए पहले हम चैप्टर का मतलब जान लेते हैं, मेरी प्यारी फैमिली। तो आज हम इसमें अपनी जो हमारी परिवार होता है, प्यारा परिवार होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वी ऑल लिव इन ए फैमिली, हम सारे लोग एक फैमिली में रहते हैं। ठीक है, ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल इन विच चिल्ड्रेन लिव देयर पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स। जो हमारी जो परिवार होता है, ऐसा नहीं है कि जो परिवार सिर्फ, ठीक है, बहुत सारे लोग हो गए तो परिवार हो गया, नहीं। हमारी जो फैमिली होती है वो लोगों का एक ग्रुप, एक समूह होती है, जिसमें बच्चे साथ में रहते हैं अपने पेरेंट्स के, उनके और भाई बहन भी रहते हैं। ठीक है, तो जब बच्चे, पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर जब आपस में एक पीपल्स का जो एक ग्रुप बन जाता है, इसी को ही हम फैमिली कहते हैं। आप सबके घर में भी रहते हैं, है ना, तो वो सब क्या है, आपकी फैमिली। आपके घर में आपके मम्मी पापा, भाई बहन, ठीक है, और दादा दादी भी रहते होंगे कुछ लोगों के साथ, तो इस तरीके से वो उनका क्या होता है, वो उनकी फैमिली होती है, वो उनका परिवार होता है। ठीक है, सम अदर पर्सन आल्सो मे बी ए पार्ट ऑफ फैमिली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर मिल गए या दादा दादी मिल गए तो ये पूरा फुल फैमिली हो गई, नहीं। इनके अलावा भी परिवार में और भी लोग होते हैं, और भी सदस्य होते हैं, जैसे चाचा चाची, ताई ताऊ जी, उनके बच्चे जिनको हम कजन्स बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत से लोग होते हैं। फादर एंड मदर टुगेदर आर कॉल्ड पेरेंट्स, माता और पिता को मिला के उनको हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं, मतलब फादर और मदर को मिला के उन दोनों को ही हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हमें स्कूल में बोला जाता है ना अपने पेरेंट्स को बुला के लेकर आना, तो पेरेंट्स का मतलब होता है या तो मम्मी को बुला लाओ या तो सीधा पापा को बुला लाओ। ठीक है, ऐसा कंपल्सरी नहीं होता कि आपको दोनों को ही लेकर आना है। तो आपको समझ में आया कि फैमिली क्या है। तो हमारा जो लेसन प्लान था उसके हिसाब से हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली के अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली जो है बहुत तरह की होती है, है ना, कई तरह की फैमिलीज होती है, जैसे स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। तो बताती हूँ कि स्मॉल फैमिली क्या होती है। ऐसी फैमिली जिसमें कि पेरेंट्स हो और एक या दो भाई बहन हो, ठीक है, ऐसी इस तरह की जो फैमिली होती है वो स्मॉल फैमिली कहलाती है। लेकिन जो बच्चे हों, है ना, और उनके माता पिता हों, तो इस तरह की फैमिली हमारी स्मॉल फैमिली कहलाती है। और जो लार्ज फैमिली होती है जिसमें पेरेंट्स के साथ उनके बच्चे हों, ठीक है, उनके भी माता पिता हों, जिनको हम लोग दादी दादाजी बोलते हैं, तो इस तरह की फैमिली जो है वो भी वो लार्ज फैमिली कहलाती है। ठीक है, जिसमें कि मतलब मिनिमम 6-7 लोग हो ही जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, दादा दादी भी होते हैं, मम्मी पापा भी होते हैं, हम लोग भी होते हैं, और साथ में हमारे कजन्स भी रहते हैं, चाचा चाची, ताई ताऊ, इस तरह से जो पूरा परिवार एक साथ रहता है, इस तरह की फैमिली को हम लोग ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। और जो ज्वाइंट फैमिली में 10-12 लोग या उससे भी कभी कभी ऐसा होता है कि उससे भी ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, तो इस तरह की फैमिली को हम लोग ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। चलिए आपकी बुक में देखते हुए आज हम इस वीडियो में हम लोग स्मॉल फैमिली जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। मनीषा इज माय बेस्ट फ्रेंड। जो मनीषा है वो क्या है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। शी हैज वन यंगर ब्रदर, उसका एक यंगर ब्रदर है। शी लिव्स इन ए स्मॉल फैमिली, और वो उसकी जो फैमिली है जिसमें वो रहती है वो कैसी फैमिली है, स्मॉल फैमिली। मदर, फादर एंड वन और टू चिल्ड्रेन मेक ए स्मॉल फैमिली। जब मम्मी पापा, एक या दो बच्चे होते हैं तो इस तरह से वो कैसी फैमिली कहलाती है, वो एक छोटा परिवार कहलाती है। और छोटा परिवार क्या होता है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो छोटा परिवार होता है वो सुखी परिवार होता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने परिवार के बारे में पढ़ा, अपने टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में पढ़ा कि फैमिली 3 टाइप्स
कि हमने अपनी बुक में पढ़ी है, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है स्मॉल, लार्ज और ज्वाइंट। हमने स्मॉल में पढ़ा कि जब एक या दो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो इस तरह के पेरेंट्स के साथ, तो इस तरह की फैमिली स्मॉल फैमिली कहलाती है। लार्ज और ज्वाइंट के बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।